अनदर वीडियो। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। गाइज हम दो दिन में जो है पूरे बनारस के रंग में रख गए हैं, देख सकते हो आप पूरे में हर जगह महादेव ही महादेव दिख रहे हैं। तो गाइज आज ये बनारस का दूसरा दिन है और अभी मैं हूँ सुरमेश्वर घाट पे और आज है देव दिवाली, जिसका हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो आज वो दिन आ गया है भाई, आज देव दिवाली है। यार मैंने इससे पहले जो है ना खाली रील्स में और यूट्यूब पे ही देखा था, बट आज जो है मैं इसको एक्सपीरियंस करूंगा, तो आज भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी फिलहाल मैं हूँ सुरमेश्वर घाट पे और मेरे पीछे देख रहे होंगे पूरा ऐसा सजा दिया, देखो ये पूरा ऐसा करके सजा दिया है। और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे जहाँ पे लेजर शो होने वाला है, उस घाट का एक्चुअली मेरे को नाम नहीं पता, तो अभी आगे की तरफ है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे क्या क्या प्रिपरेशन अभी हो रही हैं, तो वो हम लोग चीज़ कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, क्योंकि वो उसी के सामने ललिता घाट पे ही जो है फायर वर्क होगा, तो वो हम शूट करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग चल रहे हैं यहाँ से घाट की तरफ जहाँ पे लेजर शो होने वाला है, तो वहाँ का मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ गंगा का, कितना व्यू अच्छा आ रहा है। तो ये देखिए पूरी गंगा, देखिए अभी फॉग हो गया है तो ज़्यादा सा मतलब इतना क्लियर नहीं दिख रहा, पर व्यू देख सकते हैं कितना गजब का व्यू है। और अपने तिरंगा और देखो यहाँ पर पूरे मैसेज डिज़ाइन बना दिया है। तो अभी चल रहे हैं, फिर मैं आपको वहाँ पर जाके कंटिन्यू करता हूँ। अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ चेत सिंह घाट पे, जो कि आज देव दिवाली के दिन पे जो है कि मेन अट्रैक्शन घाट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है लेजर शो। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफी सारी लेजर एंड लाइट्स वगैरह लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से पूरी जो है लाइट्स लगी हुई है, ऊपर जो है वो लेजर लाइट लगे हुए हैं, जो कि आज का मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पूरे महीने तो लेजर शो होने वाला है। और ये लेजर शो जो वो 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा जैसे अंधेरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, वहाँ पे आगे पुलिस वालों ने जो फेंसिंग भी की हुई है, यहाँ पे पूरा जो है म्यूज़िक के साथ पूरा देखो सेटअप कर रखा है, यहाँ पे पूरे में जो है म्यूज़िक सेटअप कर रखा है और लेज़र लाइट को पूरा कर रखा है। तो जैसे ही अंधेरा होगा तो बोट से आप इसको देख पाएंगे, या फिर अगर उस पार जैसे अलाउड होगा तो लोग उस पार भी जाएंगे, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी सारी रील्स और वीडियोज़ में आपने पिछले साल वाली में देखा होगा, तो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लगता है ये सारी चीज़ें ना, तो ये भी बहुत सही है। तो हम भी जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, आरती वरती ख़त्म हो जाएगी, तब उसके बाद फायर्स होगा, देन उसके बाद जो है ये स्टार्ट होगा, तो वो सारा कवर करके मैं भी आऊँगा यहाँ पे, पूरा कवर करूँगा और एक्सपीरियंस करूँगा इस चीज़ को। देखिए ये पूरी जो है देखो लेज़र लाइट लगी हुई है यहाँ पे, ये पूरा लेज़र लाइट है, ये लाइट्स वगैरह से लगी हुई है पूरी ऐसे करके ऊपर तक लगा रखी है, ऊपर भी जो है उसके लेज़र लाइट लगी हुई है, तो यहाँ से पूरा जो है वहाँ पर थ्रू होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। गाइस अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ काशी विश्वनाथ वाले घाट पे, लेजर घाट के पास, और यहाँ से देखिए ये नदी के जो उस पार है पूरे का पूरा जो है वो दिए जला दिए हैं। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, पूरे में जो है ये दिए यहाँ से जला दिए हैं, और इस साइड पे जो है यहाँ पे फायर वर्क होगा पूरा जो है पटाखे यहाँ पे फूटेंगे, और ये सारी दवाओं पर देखिए कितनी मस्त लग रही हैं। और यहाँ से अगर आप घाट देखेंगे ना, सारे घाट कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। मुझे वहाँ से इस घाट तक आने में भाई बहुत टाइम लग गया, काफ़ी घूम घूम के जो मुझे आने पड़े हैं, बट यार घाट देखिए सारे के सारे काफ़ी सुंदर घाट हो गए हैं, ये देखिए। और ये है जो ललिता घाट है ये वाला, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, अभी वहाँ पे आरती वरती चल रही है आई थिंक, और ये देखिए भाई। सो गाइस अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ ललिता घाट पे और मेरे पीछे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अब मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ है, देखो इतनी भीड़ भाई कभी नहीं देखी होगी यार आपने, बहुत गजब की वाइब है। अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था भाई, जो वाइब थी ना म्यूजिक में, मन कर रहा था बस डांस करने को भाई, गजब का। अभी जहाँ पे थोड़ी सी देर में जो है यहाँ पे पटाखे जलने का काम होगा, पूरे यहाँ पे फायर वर्क होगा, और पूरा का पूरा जो है यहाँ से वहाँ तक पूरे में जो पटाखे जलेंगे भाई, गजब। देखो भीड़ देखो यार भाई, काशी विश्वनाथ जी देखो पूरा का पूरा, ये यहाँ से देखिए भीड़ गजब का है। मतलब यार आप ना सच बता रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से भी ना आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब यहाँ क्या फील होता है, अगर आप आ रहे हो ना तभी आप इस चीज़ को फील कर सकते हो भाई, सच बता रहा हूँ, मतलब अलग ही वाइब है। जितनी भी जो थकान थी मैं 80 घाट से ज़्यादा पैदल आया, सारी की सारी भाई दूर हो गई। अभी जो म्यूज़िक बजाना भाई गजब का म्यूज़िक था यार, सच में बहुत गजब का म्यूज़िक था। सो गाइस अभी फिलहाल मैं बैठ चुका हूँ बोट में, और यहाँ से काशी विश्वनाथ जो घाट है वहाँ से हम लोग जाएंगे 80 घाट तक, और बीच में जो है हमारा जो लेजर शो है वो भी पड़ेगा, तो उसको भी आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे।
और मैं आपको बताता हूँ जो बोट का जो कॉस्टिंग है ना, टाइम टू टाइम जो है ना वो बढ़ती जाती है। जैसे अगर आप दिन में जाओगे तो वो 100 रुपीज़ रहती है, फिर उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे मतलब मौके चेंज होते ना तो वैसे वैसे यहाँ के रेट भी बढ़ जाते हैं। और देव दिवाली पे जो है आपको अगर शूट करना है अच्छे से, लेजर्स हो गया कि पूरे घाट हो गए, तो आपको बोट से जो है वो राइड करना जरूर पड़ेगी। तो अभी हम लोग भी निकल रहे हैं, थोड़ी देर में जो है अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे। बोट भी देखो पूरी भर चुकी है, हर लोग बैठ चुके हैं। तो अभी हम लोग, मैं आगे बैठा हूँ सबसे, तो आज लेजर शो शूट करेंगे, फिर उधर से वापस इजी पाएंगे, देन उसके बाद जो है फायर वर्क होगा यहाँ पे 7:50 पे, उसका टाइमिंग है। तो आई होप तब तक हम आ जाएं तो फिर वो भी हम आपको दिखा देंगे। हम लोग निकल चुके हैं ललिता घाट से, और वो है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। अभी देखिए जितने भी ये झल्लरें वगैरह लगाई हैं, LED लाइट्स लगा दी हूँ पूरी, देखिए घाट कितना मस्त लग रहा है। पूरे में जो है यहाँ से लेके पूरा 80 घाट तक ये सजा दिया है, पूरा का पूरा, देखिए कितना मस्त लग रहा है ये। तो गाइस अभी फिलहाल मैं उस 10 अश्वमेध घाट के बिल्कुल जस्ट सामने, और यहाँ पे और ये आरती मैं आपको दिखा दूँ। देखिए सामने वहाँ पे कितना मस्त पूरा घाट लग रहा है, देखिए सामने वहाँ पे आरती चल रही है, और ऐसे करके पूरे देखो घाट जहाँ तक नज़र जा रही है सारी की सारी घाट जो है पूरी सजा दी गई है। और भीड़ देखिए बोट्स में पूरे, देखिए भीड़ देखिए गाइस, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, आज लाखों लोग आए हुए यहाँ पे भाई। आज के दिन अगर आप बनारस नहीं आए ना, तो मतलब आप ना पूरे साल वेट करते रह जाओगे इस दिन का। ये जो देव दिवाली है ना, मतलब जो अपनी दीपावली होती है उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और मतलब श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। मतलब यहाँ पे अगर एक बार आप आ गए ना बनारस में, तो मतलब आपको लगेगा कि ना कि बनारस में कुछ है, फिर आपको बार बार आने का मन करेगा बनारस में। मैं अब दूसरी बार आ चुका हूँ बट मेरा मन नहीं करता यहाँ से जाने का। तो गाइस अभी जो है चेत सिंह घाट बस सामने ही है थोड़ी दूर पे, और लेजर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आपको अगर दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी जो लेजर से वो दिख रही है, तो अभी वहाँ पे जाएंगे, आपको लेजर एकदम मस्त लगेगा। कल मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था रील्स के फॉर्मेट में, मैंने सेव किया हुआ, वो मैंने डाला हुआ इंस्टाग्राम पे, तो भाई गजब का लगता है। अभी वहाँ जाएंगे ना जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लेजर शो है क्या वहाँ का। यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम लग गया है पूरा, क्योंकि सारे के सारे जो बोर्ड्स हैं ना वो खाली है लेजर शो देखने के लिए रुक गए हैं। तो देखिए पूरे में सारी जगह की सब बोर्ड यहाँ पे रुक गई हैं, ये देखो, और सब लोग चाहते गए ना वो सब लोग अपना लेजर शो जो वो ना मिस ना करे, क्योंकि है इतना अच्छा। ये देखो भाई पूरे में जो है ना सारे में लेजर शो, ये देखो यार अभी तो तिरंगा बना दिया यहाँ पे, अभी लग नहीं रहा है कि शायद ये लेजर जो चालू करेंगे अभी, कुछ शायद गवर्नमेंट का कुछ हो रहा है तो इस वजह से जो है इसको थोड़ा रोक दिया है। आई होप हम लोग जो है आगे से वहाँ से घूम के आएंगे तब शायद हम, तो भाई चालू हो गया फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद। अभी लग रहा था कि यार ये लोग चालू नहीं करेंगे, तो भाई देखो लेजर शो अभी हम लोग थोड़ा सा आ गए हैं। भैया घुमा लो यार इधर से ही, भाई देखो यार कितना मस्त मस्त लग रहा है ये। और ये सामने जो है ये वाली घाट जो दिख रही है, ये आपको ये वाली 80 घाट है, और जो नॉर्मली बोट वाले जो क्या करते हैं कि ललिता घाट से 80 घाट तक लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो आप आरती चल रही है। और यहाँ की जो है ना मॉर्निंग की आरती बहुत ज़्यादा फेमस है 80 घाट की, अगर कभी आप मॉर्निंग में आरती अटेंड करना चाहते हैं तो 80 घाट की आप आरती जो है वो अटेंड कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी भव्य होती है। और अभी आप देख रहे होंगे पूरे आसमान में आपको जो है हॉट एयर बलून जो छोटे वाले होते हैं ना वो सब दिख रहे होंगे। देखिए भाई फिर से जो है हम लोग आ गए लेजर शो के पास, जो कि यहाँ पे भी चल रहा है। और भाई ये देखिए जब अभी हम सामने से जाएंगे तब देखेंगे, कैसे ये देखो तिरंगे में पूरा आसमान हो गया है। फायरवर्क जो स्टार्ट हो गया है कि कैसा लगा आपको अब
भाई ये सभी लोग जो है मेरे साथ बोट में थे और भाई हम लोग जैसे यहाँ पे पहुंचे पूरे फायर वर्क जो है स्टार्ट हो गया भाई, गजब का मजा आया यार, गजब का। हर महादेव। तो भाई यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब लोग कह रहे हैं कि भाई सबके रोंगटे खड़े हो गए। जो भाई म्यूजिक था, जो पटाखे थे भाई, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, बस बनारस में मिलेगा, वो भी देव दिवाली में मिलेगा भाई, मजा आ गया। सो गाइस ये कुछ है देव दिवाली का माहौल। जब सारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया, उसके बाद देखिए भीड़ जो है वो धीरे धीरे यहाँ से जाने लगी है और लोग सारे जा रहे हैं भाई, फोटोज करा रहे हैं भाई। बहुत गजब का मतलब जो सीन था, मतलब क्या बताऊँ उस बारे में, जो भी पूरा फायर वर्क था और पूरा ऐसे करके जो मतलब पूरे में वहाँ से वहाँ तक पूरे में पटाखे चलाए यार, मतलब म्यूजिक के साथ जो गूज़बम्प्स है ना वो भाई यहाँ पे जो थे ना सभी को आएंगे, ऐसा कोई भी ना होगा जिसको कि गूज़बम्प्स ना आए। तो गाइस आज का था ये मेरा देव दिवाली का जो बनारस का ट्रिप, और आज भाई बहुत ज़्यादा मजे आ गए क्योंकि भाई देव दिवाली भाई आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जो आज यहाँ पे हुआ है ना ये बनारस के अलावा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और अभी मैं हूँ खड़ा हूँ यहाँ पे जो ललिता घाट पे, और इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया, यार पसंद तो आएगा क्योंकि यार इतनी ज़्यादा मतलब इतना सब कुछ था यार दिखाने के लिए ना, मैंने पता नहीं इस वीडियो में मैंने आपको पूरा पूरा दिखाया भी होगा कि नहीं दिखाया होगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि ना इसमें आपको सारी चीज़ें दिखाऊँ जो जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया ना वो मैं आपको एक्सपीरियंस करा पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है ना प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर कुछ पूछना हो देव दिवाली से रिलेटेड या बनारस से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।